वेलकम टू फूड प्लेस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो मंडे की सुबह है और आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है मेरी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग है ये तो काफ़ी पुरानी है। खैर, यहाँ पर जो है नाश्ता बन रहा था और मैंने बनाए थे अपने लिए सिंपल से फ्रेंच टोस्ट और विदाउट शुगर बनाए थे मैंने, और बच्चों के लिए जो है सिंपल बच्चे ब्रेड और जूस लेंगे। कभी कभार वो जूस लेते हैं और ज़्यादातर तो जो है वो दूध पीते हैं, लेकिन कभी उनका मूड हो तो वो जूस पी लेते हैं। खैर, यहाँ पर जो है अभी हम नाश्ता करेंगे। और आज जो है मौसम बहुत खूबसूरत था, सुबह से ही जो है ना मौसम इतना अच्छा था, बारिश हो रही थी तो मेड नहीं आई, जिसकी वजह से जो है क्लीनिंग खुद करनी पड़ी। तो अभी जो मैंने थोड़े से बर्तन धोए हैं, अभी मैंने क्लीनिंग नहीं की, तो मैंने सोचा स्टोव जो है अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कल जो है वो बनाई थी ना, वो बनाया था हलीम बनाया था मैंने, तो स्टोव जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना गंदा हो रहा था, तो सही से क्लीन नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा आज जो है ना क्लीनर के साथ इसको साफ़ करती हूँ, और ये जो है एस्टोनिश का क्लीनर मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट में पूछेंगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। एस्टोनिश का क्लीनर मैं पहले भी काफ़ी आप लोगों के साथ जो है ना काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो बस इसको जो है स्प्रे करना है और बस सिंपल सा स्क्रब करना है, और जो स्टोव है बहुत अच्छा सा जो है ना क्लीन हो जाता है और बहुत अच्छी इसमें शाइन आ जाती है। तो जब कभी इंस्टेंट काम करने होते हैं, लाइक मासी नहीं आई और मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, और मेरी कोशिश होती है मुझे ज़्यादा थकावट ना हो और मैं जल्दी से काम भी ख़त्म कर लूँ, तो फिर मैं जो है ना ज़्यादातर क्लीनर्स वगैरह का सहारा ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मुझे क्लीनिंग करनी है, थोड़ी बहुत किचन क्लीन करूँगी, और इसके बाद जो है मैं वीडियो एडिट करूँगी आप लोगों के लिए। वीडियो एडिट करने के बाद जो है इसको अपलोडिंग पे लगाने के बाद जो है ना फिर देखते हैं फिर क्या काम करना है, क्योंकि तो ये काम भी तो ज़रूरी है ना, अभी आप लोगों के साथ भी तो बात करनी है ना। तो अभी चलते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। अभी अभी जो है मैंने वॉइस ओवर कम्प्लीट किया है वीडियो का, इसको अभी मैंने एक्सपोर्ट पे नहीं लगाया, एक्सपोर्ट पे लगा देती हूँ। और मौसम बहुत जो है हसीन हो रहा है, बोलते बोलते जो है ना मेरा बोलना चुप नहीं हो रहा, मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ एक मिनट पे। तो वॉइस ओवर मेरा कंप्लीट हो गया, वीडियो को जो मैंने एक्सपोर्ट पर लगा दिया है, और अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट व्लॉग। आज मेड नहीं आई, आपने इस वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि आज मेड नहीं आई। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, ये देखें जी बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और आज तो कुछ अच्छा सा पकना चाहिए, इतने अच्छे मौसम में बादल भी काफ़ी सारे आए हैं, और हमारे पास जो है ना काफ़ी दिनों के बाद बारिश आई है, हम बहुत मिस करते हैं, हमारे पास जो है बारिश नहीं आती, और थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, इनको आप इग्नोर करें, क्योंकि मुझे अभी जो है थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है। वीडियो मेरी हो जाएगी, मैं देख लूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चे जो है यूजुअल टेरेस में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है अभी, याद रखे हमारे ऊपर आएंगे। और ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी पड़ेगी, क्यों? ऑनलाइन क्लासेस तो हो सकती हैं, क्या नेट तो आ रहा है? हाँ तो अपनी क्लासेस लेना, यहाँ घर से ही देख ले बारिश, वो देखे एक आदमी कैसे भागा भागा आ रहा है, बेचारा भीग गया बारिश में। ये देख वो पीछे कोई भी बच्चा आ रहा है। कितनी ज्यादा बारिश आ रही है, हमारा टेरेस भी गंदा हो गया और बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। गमलों को दे दो पानी, गमले थोड़े इधर को आ रही है बारिश सारी। हाँ जी, तो अभी हो गया है लंच का टाइम, एक्चुअली अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, अभी तकरीबन जो है 11-12 बजे हैं, और बच्चों को भूख लगी है, और मौसम देखते हुए जो है ना भूख ज़रा ज़्यादा ही लग गई है, अच्छे मौसम में आपको पता है भूख लग जाती है। और मैंने उनसे पूछा क्या खाना है, तो वो मुझे बोल रहे थे कि हमें कोई पकौड़े या समोसे या इस तरह की चीज़ खानी है। तो मैंने देखा तो कल के जो है नान थोड़े से बचे हुए रखे थे, मैंने पूछा कि मैं आप लोगों को नान फ्राई कर दूं, तो वो राज़ी हो गए, उन्होंने कहा हम नान खाएंगे, वैसे भी वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़े से नान बच्चों के लिए फ्राई कर रही हूँ, और साथ में जो है थोड़ा सा पास्ता बना लूँगी, हमारा लंच भी साथ में ही हो जाएगा। तो आज जो है ना लंच में सिंपल
ये बस चटपटे से जो है ना खाने हैं, यही है, यही होगा क्योंकि मौसम की डिमांड है ना। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है भाई, बारिश हो रही है, तो नान और पकोड़े और समोसे तो जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। फिर खैर अभी हम जो है हमारा खाना तैयार हो गया, यही हमारा लंच होगा आज। तकरीबन 12 तो बज चुके हैं और बनाते बनाते जो है 12-1 बज जाएंगे और फिर लंच का टाइम ही हो गया, बस यही खा लेंगे लंच में। और बस जो है कपड़े इस्त्री कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल। इस वक्त जो है तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं और मैं जाऊँगी अभी हॉस्पिटल। थोड़ी देर में लंच ब्रेक होगी। अभी सुबह में मैं गई थी सैंपल देने और अभी जो है रिपोर्ट आ गई है, तो अभी कुछ डिस्कस करने जाऊँगी डॉक्टर के साथ। तो कपड़े जो है मैंने सोचा मैं इस्त्री कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। अब्दुल जो है वो सो गया है तो उसको मैं लेके नहीं जाऊंगी, इसलिए जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके सोए सोए जो है ना मैं हॉस्पिटल से होकर आ जाऊँ। वैसे तो वो बहुत शौक से जाता है क्योंकि वहाँ पर फिशेज हैं हॉस्पिटल में, तो वो बहुत शौक से जाता है देखने। तो लेकिन आजकल जो है ना बेहतर यही है कि ना लेके जाएं बच्चों को। तो जल्दी जल्दी जो है कपड़े इस्त्री कर रही हूँ मैं बस। हाँ जी, तो मौसम तो आज सुबह से बहुत अच्छा और बहुत मज़े का मौसम है, ठंडा हो गया है और बारिश जो है सुबह से जो है ना वो कंटिन्यूसली चल रही है, बिल्कुल भी जो है ना स्टॉप नहीं होती है। अगर कभी 5-10 मिनट के लिए होती है तो उसके बाद जो है फिर से स्टार्ट हो जाती है। मौसम बहुत खूबसूरत है। बहरहाल मुझे जो है ना मेरे घुटने में पेन था और मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी, मुझे जाना था डॉक्टर के पास लेकिन मैं, इतनी बारिश हो रही है मैं नहीं गई, तो मैंने जो है फ़ोन पे ही बात कर ली है। तो मेरे जो है ना टेस्ट करवाए थे और टेस्ट जो है वो कोई अच्छा टेस्ट नहीं आया था, डॉक्टर ने कहा था। अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि अभी मुझे कुछ खुद भी इतना अच्छा से कंफर्म नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे रेमाटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और मुझे जल्दी जाना चाहिए और जल्दी जो है ना चेक करवाना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने उन्हीं से मेडिसिन ले लिया। मैंने सोचा कि अभी आप मुझे पेन किलर्स वगैरह लिख दें और मैं जो है ना सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीक मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भी कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी जो है मैं मेडिसिन जो 1 वीक की खाऊँगी और उसके बाद जो है देखते हैं क्या करना है। और आज तो मौसम ही बहुत प्यारा हो रहा है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है ना, बस तो मौसम इंजॉय कर रहे हैं। आज तो सारा दिन हम मेड नहीं आई थी तो आज मुझे थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करनी पड़ी और उसके बाद जो है ना घुटने का दर्द ज़्यादा हो गया। नीचे नहीं जाना अब्दुल हादी, नीचे नहीं जाना। नो 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 और आपका क्या हाल हुआ है? बारिश में आप पैदल क्यों आए हैं? बस नहाना था।
और अभी जो है 5 बज गए हैं, हमने पी है अभी चाय और साथ खा रहे हैं पकौड़े। मौसम बहुत अच्छा है और आपने देख लिया होगा कि साहब जो है ड्यूटी से आए हैं, बहुत ज़्यादा भीग के आए हैं। तो अभी जो है मुझे उनके कपड़े वॉश करने हैं क्योंकि आज मेड नहीं आई। तो मेरी ज़िंदगी के गम। तो बस आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ही का वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।